हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाउंस ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसे हम चेबीशेव्स इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आशा रखता हूं कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझने में ध्यान देंगे, जिससे करके ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो जो बाउंस ऑन प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम चेबीशेव इनइक्वालिटी बोलते हैं, उसका इक्वेशन क्या है वो हमें याद रखना जरूरी है। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो इक्वेशन हमें याद रखने हैं। पहला इक्वेशन है पी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है पी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के सिग्मा लेस देन 1 अपॉन के स्क्वायर। यहाँ पे ये जो चीज है, ये चीज इसकी पी यानी प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा ये जो टर्म है 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर उसके बराबर या उससे ज्यादा होगी। यानी कम से कम ये चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, कम से कम इसके बराबर तो होगी, इसलिए इसे हम बोल देंगे लोअर बाउंड। ठीक है, उसी तरीके से ये जो चीज है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इससे कम होगी, ये टर्म से कम होगी। ठीक है, यानी ये टर्म से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी इसके बराबर होगी, तो उसे हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी अपर बाउंड बोल देंगे। सो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ज्यादा तो कुछ आया नहीं होगा जी। या एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे एक्स जो होगा उसे हम रेंडम वेरिएबल बोल देंगे, उसे हम प्रिसाइसली बोलेंगे अननोन रेंडम वेरिएबल। ठीक है, बाद में ये जो म्यू है उसे हम म्यू को मीन बोल देंगे, के जो होगा उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोल देंगे, सिग्मा होगा उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देंगे, बस इतनी बात याद रखेंगे। अब ये इक्वेशन एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है, कहां से आया वो समझ लेते हैं, जिससे करके हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काउ बना के रखा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काउ यानी क्या, सिमेट्री होता है, ये साइड भी और ये साइड भी जो शेप है वो सेम होता है, ये तो हमें पता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काउ में सेंटर पे ही हमेशा म्यू होता है यानी मीन होता है, मोड और मीडियन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल देंगे सेंटर पे क्या है, मीन होता है, ये भी हमें पता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हमने कोई रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए बनाया है, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने बनाया है। अब यहाँ पे अगर हम मीन से कुछ डिस्टेंस यहाँ पे जाते हैं प्लस सिग्मा सपोज, और वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे जाते हैं माइनस सिग्मा सपोज, तो अगर हम यहां से कुछ डिस्टेंस यहां जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इतना डिस्टेंस हम डेविएट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हम बोल देंगे। यानी कि इतने रीजियन में जो हमारा एक्स रेंडम वेरिएबल था, एक्स रेंडम वेरिएबल था, उसके डेटा पॉइंट्स होने की प्रोबेबिलिटी, उसके डेटा पॉइंट्स होने की प्रोबेबिलिटी होगी 68%। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, 68% होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा 68% जो आया प्रोबेबिलिटी, हमारा जो एक्स रेंडम वेरिएबल था उसके डेटा पॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, अब ये जो 68% है, इतना जो रेंज है उसे हम बोल देंगे फर्स्ट रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी हो गई, म्यू से यहां कुछ गए यानी म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, और म्यू से यहाँ कुछ गए यानी म्यू माइनस सिग्मा। तो म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा जो है उसे हम बोल देंगे फर्स्ट रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और फर्स्ट रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एक्स की वैल्यू जब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में हो, तब एक्स जो हमारा है उसके डेटा पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 68%। अब वही चीज इक्वेशन में यहाँ पे मैंने लिखी है क्या, कि एक्स के जो डेटा पॉइंट्स है वो डेटा पॉइंट्स म्यू माइनस सिग्मा, यानी ये म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये रहा म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा होने की प्रोबेबिलिटी, डेटा पॉइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 68%। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से यहां से थोड़ा और डिस्टेंस हम डेविएट करें 2 सिग्मा तक, यहां से थोड़ा और सेम डिस्टेंस डेविएट करें -2 सिग्मा तक। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रेंज हो जाएगा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा और ये म्यू माइनस 2 सिग्मा। ये रेंज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जो एक्स रेंडम वेरिएबल है उसके डेटा पॉइंट्स ये रेंज में मिलने की प्रोबेबिलिटी, यानी ये रेंज में मिलने की प्रोबेबिलिटी
कितनी होगी, 95% होगी। यानी कि जब x का वैल्यू ये दो वैल्यूज के बीच में होगा, x का वैल्यू ये दो वैल्यू के बीच में होगा, तब उसके जो डेटा पॉइंट है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 95% होगी। इक्वेशन में भी वही लिखा है, जब x की वैल्यू या फिर x जो हमारा डेटा पॉइंट है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी जब वो म्यू माइनस टू सिग्मा से म्यू प्लस टू सिग्मा में होगी तब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 95%। ऐसे समझ में आओगे। अब यहां से हम कुछ और डिस्टेंस डेविएट करते हैं प्लस थ्री सिग्मा और यहाँ पे कुछ सेम डिस्टेंस डेविएट करते हैं माइनस थ्री सिग्मा। यानी अब एक्स की जो हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं डेटा पॉइंट ढूंढने की, वो कौन सी रेंज में ढूंढ रहे हैं, एक्स माइनस थ्री सिग्मा से लेके एक्स सॉरी म्यू माइनस थ्री सिग्मा से लेके म्यू प्लस थ्री सिग्मा, ठीक है, थर्ड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि तीन डेटा पॉइंट्स मिलने की 99.7। यानी जब x की वैल्यू म्यू माइनस थ्री सिग्मा और म्यू प्लस थ्री सिग्मा के बीच में अगर हमें ढूंढना है x के डेटा पॉइंट ढूंढने की प्रोबेबिलिटी, तो होगी 99.7 के बीच में, 99.7 तक। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास है, स्टैंडर्ड वैल्यूज। और ऐसे करते करते हम और थोड़ा डिस्टेंस एंड तक शायद से जा सकते हैं, 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा करते करते के सिग्मा तक, और यहाँ पे भी 3 सिग्मा 4 सिग्मा करते करते के सिग्मा तक, यानी नेगेटिव साइड तो माइनस के। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस यहाँ से म्यू प्लस म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा होगी, x की वैल्यू जब म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा होगी, यानी लगभग पूरा कवर कर्व हम कवर कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है उसके डेटा पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, पूरा कर्व हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी शायद से, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, ये सारे डेटा हम तब लिख पाएंगे जब न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ कर्व कौन सा हो, दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी कि जब ये जो हमारा वेरिएबल है एक्स, वो वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फैमिली से बिलोंग करता हो, तब हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमारा एक्स है वो कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, यानी कि ये जो एक्स है उसके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई अलग ही कर्व है, तब ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली इक्वेशन काम आने वाले नहीं है। यानी कि जब x जो है रैंडम वेरिएबल वो बिलोंग करता हो अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से, ना के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जब x अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता हो, तब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तब हम चेविसेफ इनइक्वालिटी यानी कि ये इक्वेशन का हम यूज कर देंगे। आई होप क्यों चेविसेफ इनइक्वालिटी का यूज करना है वो बात तो समझ में आ गई होगी। अब समझ लेते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या है, कहां से आए। अच्छा, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है, क्या करेंगे, ये इक्वेशन में से म्यू को माइनस करेंगे, म्यू को माइनस ये भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, म्यू को माइनस करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये म्यू माइनस के सिग्मा माइनस म्यू, अब यहां भी माइनस करना पड़ेगा एक्स माइनस म्यू, यहां भी माइनस करना पड़ेगा म्यू प्लस के सिग्मा माइनस म्यू, ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस के सिग्मा और बीच में एक्स माइनस म्यू एज इट इज, और ये के सिग्मा या प्लस के सिग्मा मिला, ठीक है। यानी एक्स माइनस म्यू जो है वो किन दोनों के बीच में होगा, या उसकी वैल्यू किन दोनों के बीच में होगी, माइनस के सिग्मा से लेके के सिग्मा के बीच में होगी। यानी अगर हम इसका मॉड ले ले, मॉड यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू तो इससे तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तो कम ही होगी, इससे के सिग्मा से तो कम ही होने वाली है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मॉड वैल्यू ले लेते हैं एक्स माइनस म्यू, तो एक्स माइनस म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के सिग्मा, मॉड रिमूव किया इसका मतलब क्या, प्लस और माइनस है तो माइनस चला जाएगा, मॉड यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो उसकी वैल्यू तो कम ही होगी, के माइनस एक्स माइनस म्यू जो है उसकी वैल्यू के सिग्मा से तो कम ही आने वाली है, ठीक है। तो यही साइन रख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, और इसमें एक्स क्या है, एक्स हमारा है कोई रैंडम वेरिएबल जो बिलोंग करता है अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम इक्वेशन लिख लिया। अब ये जो साइन है ये हम यहाँ पे चेंज करेंगे, एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। इसका लेस देन है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और ऑपोजिट साइन इन शॉर्ट बोल देंगे, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये आप कंपेयर कराते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या था, p ऑफ मॉड x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, p ऑफ x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन चेंज कराया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर की, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी, यानी कम से कम इतनी तो होगी, कम से कम इतनी होगी, यानी इसे हम क्या बोल देंगे, लोअर बाउंड बोल देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब यहाँ पे वापस से साइन चेंज करेंगे तो लेस देन का ऑपोजिट साइन क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया, इसका साइन चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या आएगा, लेस देन आ जाएगा। वापस से यहाँ से कंपेयर करेंगे हम, दूसरा इक्वेशन क्या था, पी एक्स माइनस म्यू लेस देन और इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के सिग्मा, तो ये सेम लिखा है एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा, और यहाँ पे लेस देन का साइन, लेस देन का साइन किसके बराबर होगा, वन अपॉन के स्क्वायर में के बराबर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इससे तो कम होगी, यानी मैक्सिमम इतनी होगी, मैक्सिमम इतनी होगी, यानी इसे अपर बाउंड बोल देंगे। जब एक्स जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है तब तो हमें प्रोबेबिलिटी पता है, ये प्रोबेबिलिटी पता है, लेकिन अगर हमारा एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करता, अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये अपर लोअर बाउंड की इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, अपर बाउंड की इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये दो इक्वेशन अच्छे से याद रखने हैं, और ये जो माइनस किया ये वाला स्टेप अच्छे से याद रखना है बस। तो अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं हमारे। न्यूमेरिकल क्या है, अ रैंडम वेरिएबल, यानी कोई एक एक्स रैंडम वेरिएबल दिया हैज मीन 8, मीन यानी क्या, म्यू 8, एंड वेरिएशन, वेरिएशन वेरियंस यानी क्या, सिग्मा स्क्वायर, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने करे थे, सिग्मा स्क्वायर, उस पे से हम स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, 9 का तो 3 आ जाएगा, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ऑफ एन अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक्स बिलोंग करता है, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें बोला गया है चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज करना है, और ढूंढना क्या है, अपर बाउंड ढूंढना है, किसका अपर बाउंड ढूंढना है, ये होने की प्रोबेबिलिटी का, ये होने की प्रोबेबिलिटी का क्या ढूंढना है, अपर बाउंड ढूंढना है। अब अपर बाउंड का कौन सा फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला हमने लिखे थे, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, पी मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा लेस देन वन अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है, अपर बाउंड का, यही यूज करना है, क्यों यहाँ पे पूछा है, अपर बाउंड ढूंढना है ये चीज का। तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए म्यू हमारे पास है, सिग्मा हमारे पास है, और हमें ये चीज का पी मॉड ऑफ एक्स माइनस 8 लेस देन 6 का क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी, कौन सी, अपर बाउंड वाली। तो हम कैसे करेंगे हर एक न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो यहाँ पे ये वापस से लिख लिया इतना इक्वेशन, यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे जो साइन है उसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का लेस देन आ जाएगा, तो ये लेस देन साइन लगा दी। अब ये लेस देन वाली साइन, इतनी चीज हम क्या ढूंढना है, अपर बाउंड, अपर बाउंड के इक्वेशन से हम कुछ कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे लिखा है पी एक्स माइनस म्यू, तो हाँ कुछ है पी एक्स माइनस म्यू जैसा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ भी है के सिग्मा, तो ये 6 जो है वो के सिग्मा के बराबर है, फिर लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, ठीक है, और बाद में 1 अपॉन के स्क्वायर है, यानी कि ये जो चीज है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 अपॉन के स्क्वायर, ये हम अपने आप से लिखेंगे, इतना कंपेयर कराया इसके साथ, इतना कंपेयर कराया, यहां तक का कंपेयर कराया, तो हमें मालूम चल जाएगा 1 अपॉन k स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, तो इसको हम हैश इक्वेशन बोल देंगे, ये हमारा स्टार इक्वेशन हो गया। दोनों को कंपेयर कराएंगे कैसे, x माइनस 8 तो x माइनस म्यू लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के सिग्मा, के सिग्मा की जगह पे क्या है, 6 है, यानी कि यहाँ पे के सिग्मा का वैल्यू 6 देके रखा है, हमें के का वैल्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो के को सब्जेक्ट बनाओ, 6 बाई सिग्मा हो जाएगा, 6 सिग्मा कितना है, 3 के बराबर, 3, तो के की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, बस ये के की वैल्यू 2 ये इक्वेशन में रख देंगे, तो ये वाला इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिख लिया, लेस देन 1 अपॉन k का वैल्यू कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 यानी 0.25 या फिर 25%, यानी ये जो चीज है, ये जो चीज इसकी होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0.25 से
कम होगी, यानी मैक्स टू मैक्स इतनी जा सकती है, यानी मैक्स टू मैक्स यानी ये अपर बाउंड हो गया 0.25 या 25% जो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल कोई एक्स दिया है, हैज मीन 12 यानी म्यू का वैल्यू 12 दिया है, वेरियंस 9 है यानी सिग्मा स्क्वायर 9, तो सिग्मा हमारा 3 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन अननोन डिस्ट्रीब्यूशन, वापस से अननोन डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, अननोन डिस्ट्रीब्यूशन यानी चेबीशेव इनइक्वालिटी यूज करना है। क्या ढूंढना है? लोअर बाउंड, पहले अपर बाउंड पूछा था, अब लोअर बाउंड किसका, इसका, ये होने की प्रोबेबिलिटी का, ये होने की प्रोबेबिलिटी का लोअर बाउंड ढूंढना है। लोअर बाउंड का इक्वेशन कौन सा है वो देख चुके थे हम, ये रहा पी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/k2, ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, लोअर बाउंड ढूंढना है, यानी ये जो चीज है हमारी, ये चीज इसका हमें क्या ढूंढना है, लोअर बाउंड ढूंढना है, लोअर बाउंड। ठीक है, अब लोअर बाउंड इसकी होने की प्रोबेबिलिटी का ढूंढना है, तो ये जो हमें देके रखा है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये इसके फॉर्म में तो है नहीं, इसके फॉर्म में तो है नहीं। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, इसके फॉर्म में था, याद हो तो पिछले न्यूमेरिकल में इसके ही फॉर्म में था, मॉड में एक्स माइनस 8 करके। ठीक है, यहाँ पे मॉड में कुछ है नहीं, इसमें ये फॉर्म में है, तो इसे इसे हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो माइनस म्यू करेंगे। कैसे माइनस म्यू, अब भी हमने देखा था क्या किया था, हमने माइनस म्यू किया था, यहां से माइनस म्यू, यहां से और यहां से, बाद में मॉड ले लिया था तो वैल्यू कुछ मिला था बस, तो वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, म्यू से माइनस कर देंगे, म्यू कितना है हमारा, म्यू 12 है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 6 माइनस म्यू यानी 12 लेस देन एक्स, म्यू माइनस करेंगे माइनस 12 लेस देन का साइन 18 माइनस म्यू 12, सब साइड से म्यू माइनस कर दिया, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 12 माइनस 6 यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे 18 माइनस 12 6, यानी एक्स माइनस 12 का जो मॉड का वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा प्लस और माइनस 6 में से 6 ही होगा और वो 6 से तो छोटा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 12 लेस देन 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, यही इक्वेशन लिख लिया, ये साइन जो है उसे चेंज करेंगे, लेस देन का क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब इतना जो चीज आया हमारा, इतना चीज, इतना चीज, इतना चीज, इसको हम कंपेयर करा देंगे अपने लोअर बाउंड, क्योंकि इसका लोअर बाउंड ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस म्यू ठीक है, लेस देन भी ठीक है, के सिग्मा या क्या वैल्यू 6 के बराबर दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन भी ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1-1/k2 के, वही तो हमें पूछा है लोअर बाउंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1-1/k2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वापस से ये इक्वेशन हैश और स्टार इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे के सिग्मा है और यहाँ पे 6 है, तो के सिग्मा का वैल्यू 6 मिल गया, के को सब्जेक्ट बनाया, 6/6 का वैल्यू 3 है रखा, के का वैल्यू 2 आ गया, बस ये के का वैल्यू 2 हम ये वाला इक्वेशन में रख देंगे, तो ये वाला इक्वेशन हम लिख पाएंगे 1-1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 एलसीएम ले लो, 4-1/4 3/4, तो अब ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, ये इक्वेशन वो कहां से लाए थे, वो हमने स्टार्ट किया था यहां से और हमें मिला था ये वाला इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन की जगह पे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन की जगह पे हमने ये इक्वेशन लिख लिया, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 75% से कम होगी। ठीक है, 75% से इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, 75% से कम होगी, यानी पी ऑफ 6x less than 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, यानी 75% से इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, कम से कम इतनी तो होगी, कम से कम, यानी लोअर बाउंड हमें मिल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम एक ऐसा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें मीन और वेरियंस ना दिया हो, बाकी का चीज सेम टू सेम स्टेप्स आएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन ढूंढेंगे, वेरियंस ढूंढेंगे, बाद में यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो ऐसा एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ फेयर डाइस इज थ्रोन 300 टाइम्स, कितनी बार थ्रो किया है, 300 टाइम, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने हैं, n बराबर कितने हैं, 300 बार हमने थ्रो किया है। फाइंड द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ढूंढना है, लोअर बाउंड का इक्वेशन ये रहा बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, अभी पढ़ चुके हैं, लोअर बाउंड ढूंढना है, probability of getting 30-70 times success, यानी 300 बार अगर हम डाई को ऐसे थ्रो करते हैं तो पूछा क्या है कि 6 नंबर जो है वो 30 और 70 के बीच में आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 6 जो नंबर है वो 30 से 70 टाइम्स के बीच में 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 300 बार थ्रो किया, ठीक है, हमें 6 चाहिए, तो 30 से 70 बार 6 आए
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 300 में से। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमें क्या पूछा है, जो हमारा x का वैल्यू है यानी 6 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 30 और 17 के बीच में आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो ढूंढा है, और वो प्रोबेबिलिटी का क्या पूछा है, लोअर बाउंड पूछा है, लोअर बाउंड यानी ये पूछा है। ठीक, अब ये तो न्यूमेरिकल एकदम आसान है, क्यों, ये वैल्यू देखी हुई है कुछ 30 x 70, इसके जस्ट पिछले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढी थी, इसका लोअर बाउंड ढूंढा था, लोअर बाउंड 6 x 18, यहाँ पे इनडायरेक्टली देके रखा है 30 x 70। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मीन ढूंढना पड़ेगा और वेरियंस ढूंढना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा हमें। तो मीन ढूंढ लेते हैं, मीन का फॉर्मूला हम करके आए हैं, म्यू इक्वल्स टू एन इंटू पी, एन हो गया हमारा रेंडम एक्सपेरिमेंट 300 आ गया, पी क्या होगा, हमने चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, 6 चाहिए, तो 6 आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी 1/6, तो पी यानी क्या, 6 आने की प्रॉबिलिटी, ऊपर क्या आता था फेवरेबल आउटकम्स यानी 6 चाहिए तो 6 तो एक ही साइड होगा, यानी एक होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 1/6। तो यहां पे 1/6 रखा, म्यू का वैल्यू हमें मिल चुका है। उसी तरीके से अब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ढूंढेंगे, जो कि होगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, एन 300 है, पी अभी देखा 1/6, क्यू कहां से लाएंगे, प्रोबेबिलिटी जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियल वीडियोस में हमने देखा था उसका प्रॉपर्टी पी प्लस क्यू बराबर कितना होता है 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा हो नहीं सकती, क्यू चाहिए तो क्यू को सब्जेक्ट बनाओ तो 1 - p हो जाएगा, पी का वैल्यू 1/6 हमने ढूंढा था, ये 6 एलसीएम ले लो तो 5/6 आंसर आ जाएगा, तो क्यू का 5/6 रख देंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 125/3। बस अब क्या करना है, अब वही स्टेप फॉलो करना है, माइनस वाला, माइनस क्या करेंगे, मीन करेंगे, यहां पे किया था मीन को माइनस किया था सारे साइड से। ठीक है, बस वही करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, मीन को, मीन कितना है 50 है, तो यहाँ पे 30 - 50 कर दिया, x - 50 - 70 - 50 जो कि -20, x - 50 ये 20, यानी x - 50 की वैल्यू जो है -20 से 20 के बीच में होगी, अगर मॉड की बात करें तो उसकी वैल्यू 20 से तो ज्यादा होने वाली नहीं है, यानी x - 50 < 20। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, यानी इन शॉर्ट इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो क्या करेंगे, वापस से इक्वेशन लिखेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज क्या होगा, लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाएगा, बस ये वाली चीज को यहां पे कंपेयर करा देंगे, तो सेम कुछ लग रहा है हमें, हां लग रहा है, और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, 1/(1 - 1)k² तो 1 - 1/k² ये क्या मिलेगा हमें, लोअर बाउंड, और पूछा क्या है, लोअर बाउंड। बस अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा लो, यहाँ पे x - 50 x - μ है, लेस देन k सिग्मा है, यानी k सिग्मा का वैल्यू 20 के बराबर है, k को सब्जेक्ट बनाओ क्योंकि हमें k का वैल्यू चाहिए, तो 20 / σ हमने ढूंढा √125/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो √3/125, ये हमें k का आंसर मिल गया। अब ये k का आंसर हम ये इक्वेशन में रखेंगे, तो ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज लिख लिया, खाली k का वैल्यू रखा है, 1/(k² है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और √3/125 क्या होगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3/(1/25, बस अब 125 ऊपर चला जाएगा, तो यहां लिखा है मैंने 125 ऊपर, और 4 × 3 = 12, 1200 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पे ये कहां से लाए थे, हम यहां से लाए थे, इसकी जगह पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया, लेस देन इक्वल टू, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन, 89% आ जाएगा, यानी जो हमारे 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 30 से 70 के बीच में वो कितनी होगी, वो 89% से ज्यादा या उसके बराबर होगी, यानी कम से कम 89% तो होगी, तो उसका लोअर बाउंड कितना जाएगा, 89%। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल में समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार से रिवाइंड करके ये देख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।